नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास किडनी सिर्फ एक होती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी किडनी खराब हो रही होती है, क्रिएटिन लेवल बढ़ रहा होता है, पर उनमें एक समस्या और होती है, वो होती है कि उनके पास एक ही फंक्शनल सिंगल किडनी होती है। अब ये कई कारण से हो सकता है, बाय बर्थ उनको सिंगल किडनी मिली हो, छोटी बहुत छोटी हो, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से एक किडनी को नुकसान हो गया, या फिर जब इन्फेक्शन की वजह से एक किडनी को पूरा का पूरा डैमेज चला गया। तो आज के करंट स्टेटस में क्या कंडीशन है कि उनकी बॉडी में दो किडनी की जगह सिर्फ एक ही किडनी पूरा का पूरा काम कर रही है। जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको अपनी सिंगल किडनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ख़राब हो जाएगी तो पेशेंट के डायलिसिस पर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जिन लोगों के पास सिंगल किडनी है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अपनी सिंगल किडनी का किस तरह से ध्यान रखना है उसको भी समझना पड़ेगा। तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा जो किडनी को नुकसान पहुंचाएगा और उसी की वजह से किडनी डैमेज में जाएगी। अब 80% जो कारण होते हैं किडनी खराब होने के वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कारण क्या है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई शुगर लेवल। अब बीपी कंट्रोल करना ये हमारे हाथ में है, चाहे हम खाने से करें चाहे हम मेडिसिन से करें, बट ये हमारे हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ के लेवल, शुगर के लेवल्स भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें इंसुलिन लेना पड़े चाहे अपने आप को हेल्दी रखना पड़े, शुगर को बॉडी में आने ना दे। तो अगर आपके पास सिंगल किडनी है तो पहले आपको अपने आप को बचाना होगा बीपी और शुगर से। अगर बीपी शुगर आपको अभी नहीं है तो आगे भी कंफर्म करना पड़ेगा कि बीपी और शुगर जैसी बीमारियां आपकी बॉडी में ना आए, क्योंकि अगर आप इन दो बीमारियों को कंट्रोल कर लोगे तो बीमार होने के, किडनी खराब होने की 80% प्रोबेबिलिटी तो आप वैसे ही खत्म कर दोगे। और जिन पेशेंट की किडनी खराब हो रही है उनको भी ये जानना जरूरी है कि उनकी किडनी क्यों खराब हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। अगर कारण बीपी और शुगर है तो वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, अगर हम सही मेडिसिन लें, सही मॉनिटरिंग करें तो हम उसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने भी पेशेंट सिंगल किडनी के आते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने अपनी बीपी और शुगर की डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी है, और जब आप उसे टेस्ट करते हैं कि बीपी कितना है शुगर कितना है उसको लिखते चले जाओ टाइम के साथ, कि कितने बजे बीपी मुझे कितना मिला था, कितने बजे शुगर मुझे कितनी मिली थी। उसे होता क्या है कि एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि दिन में आपके शुगर लेवल बढ़ते हैं या नहीं, दे पूरे दिन के अंदर आपका बीपी बढ़ता है या नहीं। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं बीपी शुगर की तो आपने ध्यान क्या देना है कि आपने बीपी को हमेशा मेडिसिन लेने से पहले चेक करना है। अगर मेडिसिन लेने से पहले बीपी आपका कंट्रोल में है, यानी आपकी मेडिसिन काम कर रही है 24 घंटे, और अगर आप अपनी फास्टिंग बीपी और रैंडम शुगर टेस्ट करते हैं, दिन में 2-3 बार चेक कर रहे हैं और लिख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो 180 से नीचे बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। अगर इसमें हमें देखने को मिलता है कि बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से हमें मेडिसिन को चेंज करने का मौका मिल जाता है, और यही आपकी किडनी को बचाने में सबसे ज़्यादा काम करने वाली चीज़ है। क्योंकि जब भी कोई सिंगल किडनी वाला पेशेंट होता है, मान लो उसका क्रिएटिनिन लेवल हाई बना हुआ है, तो वहाँ पर क्रिएटिनिन को डाउन करना मुश्किल होता है। कारण बहुत सिंपल सा है, जब आपकी किडनी दो थी तो उसकी काम करने की क्षमता पहले से ज़्यादा थी, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे। अब जब सिंगल किडनी होती है तो किडनी ऑटोमेटिक तरीके से हाइपर फंक्शनिंग कर रही होती है, क्योंकि अब सारा का सारा बॉडी का लोड एक सिंगल किडनी ले रही है। इसे समझना मुश्किल नहीं है कि उसने अपने आप को ही बदल लिया। इसी वजह से जितनी भी सिंगल किडनी के पेशेंट होते हैं उनका किडनी का साइज नॉर्मल इंसानों से बड़ा होता है। तो हमने क्या करना है, उस पर लोड नहीं डालना है, हमने खाने पीने में ऐसे बदलाव करने हैं कि हमारी किडनी में किसी भी टाइप का इम्पैक्ट ना पड़े। जितने भी सिंगल किडनी के पेशेंट हैं मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि जो भी चीज़ आपकी किडनी को नुकसान पहुँचा सकती है उसको अपने डाइट से बाहर निकाल दो। अब कौन सी चीज़ें हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं लॉन्ग रन के अंदर, उसको जान लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अभी हेल्दी हैं, बीपी शुगर नहीं है, तो पहली चीज़ आपने जो अपने खाने से निकालनी है वो है आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवर्स। दूसरी चीज़ जो आपने निकालनी है वो है अननेसेसरी मेडिसिन, स्पेशली पेन किलर्स और आपके एंटीबायोटिक्स। जितना आप अपने आप को इन दो चीज़ों से दूर रखते हो और बीपी शुगर से दूर रखते हो, उतना ही आप किडनी फेलियर की दिक्कत से दूर हो जाते हो।
और जिन लोगों की किडनी सिंगल किडनी वो भी ख़राब होने लग गई है, तो उनको ध्यान के रखना है कि क्रिएटिनिन को डाउन करना आपके केस में इतना आसान नहीं होता जितना औरों के कंपैरेटिव में होता है। किडनी की फंक्शनिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, उसे हम और अगर हाई बढ़ाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे पास एक रास्ता बचता है, वो है डाइट का, कि हम खाने पीने से अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है, जो किडनी पे लोड जा रहा है, उसे कंट्रोल कर ले। और खाने पीने में क्या खाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर मैं पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको मैं इस वीडियो के एंड में जिसको जाकर आप समझ जाएंगे कि अगर आप किडनी फेल हो रही है तो क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी। अब फिर भी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे, आप पूछना चाहते होंगे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे से पूछें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उन जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लिखें, जब मेरी टीम उसको देखेगी समझेगी तो उस पर हम आगे भी इस टॉपिक पे वीडियोस को बनाते रहेंगे, जिससे आपकी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए। जाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलकर जाएं, क्योंकि उससे हौसला आता है और ये पता लग जाता है कि हम अपनी क्रिएटिनिन लेवल को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नीचे लेकर आ सकते हैं। मेरा नाम है राजेश मित्तल, I'm of 65 years of age and I belong to Punjab। 3-4 साल पहले मैंने स्पाइन का ऑपरेशन करवाया था अपना, तब जो मेरे क्रेटिनिन थे वो 3.9 के करीब आए थे। मैंने कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आए यहाँ पे, उनको कंसल्ट करा, उनकी मेडिसिन चलती रही, तो कोई सेटिस्फेक्शन हुई नहीं। बच्चे भी मेरे काफ़ी घबरा गए। उसके बाद हमने साइंस इंजीनियरिंग कॉन्टैक्ट करा तो इनकी मेडिसिन शुरू होगी, तो एक बार ये 3.9 से कम होके 2.4 हो गए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि साइंस इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया कंसर्न है। कोई किडनी पेशेंट अगर अपनी जीने की तमन्ना छोड़ चुका है किडनी के कारण, तो कंसल्ट करे साइंस इंजीनियरिंग। मेरा नाम है राजेश मित्तल, I'm of 65 years of age and I belong to Punjab. Presently I'm staying with my elder son. He is a manager in some private company. 3-4 साल पहले मैंने स्पाइन का ऑपरेशन करवाया था अपना, तो तब जो मेरे क्रेटिनिन थे वो 2 point something थे, तो ये रिसीड करके 1.5 के ऊपर स्टेबल हो गए। तो उसके बाद सडनली ये 3.9 के करीब आए थे ये, तो देन मैंने कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आए यहाँ पे, उनको कंसल्ट करा, उनकी मेडिसिन चलती रही, तो कोई सेटिस्फेक्शन हुई नहीं। ये मेरा बेटा गौरव, जिसके बाद मैं रह रहा हूँ, बड़ा बेटा मेरा, इसने सर्च वगैरह करा था कुछ तो यूट्यूब पे, उसके बाद हमने साइंस इंजीनियरिंग कॉन्टैक्ट करा तो इनकी मेडिसिन शुरू हो गई, तो एक बार ये 3.9 से कम होके 2.4 हो गए। तो उसके बाद हमने ये कंटिन्यू रखी मेडिसिन और अब ये स्टेबल से ही चल रही है। अब अगर बढ़ते भी हैं तो पॉइंट्स में बढ़ते हैं, फिर कम हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम कम हो जाते हैं। मैं नीलम मित्तल हूँ और मेरे हस्बैंड राजेश मित्तल हैं। उनको कहीं से पता चला कि दवाई जो है साइंस संजीवनी की काफ़ी इफेक्टिव है, तो हमने वहाँ से ऑनलाइन दवाई मंगवाई और एक महीना देखा और टेस्ट करवाया तो हमें फ़र्क लगा। इस तरह हम अब तक रेगुलर दवाइयाँ लेते जा रहे हैं मेरे हस्बैंड और डॉक्टर शिवानी हमारी हफ्ते में एक बार ज़रूर बात करती है और हमें गाइड टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है। एक बार हमको बोला तो नहीं गया था कि डॉक्टर पुरु धवन को मिला जाए, लेकिन हम सोच रहे थे कि उनको भी मिला जाए, तो एक बार उनसे मिले
हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें तसल्ली दी कि आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। अब हमें लग रहा है कि ठीक होने जा रहे हैं। मेडिसिन अगर आदमी को कोई इफेक्ट कर रही है, फायदा कर रही है, तभी आदमी कंटिन्यू करता है, अदरवाइज तो आदमी छोड़ देता है। मेरे को ठीक है, ये ठीक चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जब चाहे उनको फ़ोन करो, वो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है, वो मतलब कोऑपरेटिंग है बहुत। हम ये नहीं, किडनी की नहीं है, साइंस संजीवनी की मेडिसिन नहीं है, अगर हमें कोई और भी बीमारी है तो उसके बारे में भी हमें गाइड भी करती हैं और मेडिसिन भी प्रोवाइड बताती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात। डॉक्टर पुरुधव से भी मैं मिल के आया था, उन्होंने भी बढ़िया ट्रीट करा, उन्होंने मेरी एक एलोपैथी की मेडिसिन थी वो कम करवा दी, वो भी बड़ी कॉस्टली मेडिसिन थी, उसको बंद करने से मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। वो किडनी की स्पेशल थी, वो भी वो कहते इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बंद करवा दी उन्होंने। तो ये बेनिफिट है। आप ये बात सोचो कि एक आदमी रेगुलर मेडिसिन ले रहा है, अगर फायदा हो रहा तो ले रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि साइंस संजीवनी बहुत ही बढ़िया कंसर्न है। कोई किडनी पेशेंट अगर अपनी जीने की तमन्ना छोड़ चुका है किडनी के कारण, तो कंसल्ट करें साइंस संजीवनी।